नमस्कार और आप देख रहे हैं पर्पल। हरियाणा में कांग्रेस को नहीं गठबंधन की जरूरत, कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी चुनाव 10 सीटों पर। जन समर्थन कांग्रेस के साथ है, भारी मतों से सिरसा सीट से कांग्रेस की होगी जीत। पिछले चुनाव में झूठ की आंधी चली थी, अब है सच की लहर। 20 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भरेंगे नामांकन। तंवर का दावा है कि सिरसा के इतिहास में पहली बार अलग तरीके से दाखिल किया जाएगा नामांकन। वहीं सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी पर टिकट दिए जाने पर अशोक तंवर ने किया कटाक्ष, कहा रोड़ी तो खुद ही अपने आप के लिए रोड़ा है। सांसद की ग्रांट चौटाला परिवार के आई काम। वहीं बराला के बयान पर भी अशोक तंवर का पलटवार, तंवर नहीं फंसने वाले किसी भंवर में, तंवर का नाम ही भंवर से निकलना है। सिरसा पलपल से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। जी हाँ, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उन्होंने आज एक बयान दिया है कि प्रदेश में कांग्रेस को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और 10 लोकसभा सीटों पर जीत भी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से कई दिनों से और लंबे समय से चर्चा चल रही है, वो फैसला हाईकमान ने लेना है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस अपने अकेले दम पर लड़ेगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बाकी बची 4 सीटों पर भी कांग्रेस शीघ्र ही अपने उम्मीदवारों को घोषित कर देगी। तंवर आज अपने सिरसा हलके के गांव का दौरा शुरू करने से पहले कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। इसमें 36 बिरादरी एक होकर के हर वर्ग ने, किसान, मजदूर, कर्मचारी, नौजवान, हमारा माताएं बहने, कर्मचारी, सब लोग सड़कों के ऊपर जो 5 साल जिन्होंने संघर्ष किया, आज वो बदलाव चाहते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तरफा ये चुनाव आने वाले समय में होगा। 20 तारीख को हमारा नामांकन है और उसकी तैयारियाँ पूरे जोरों के ऊपर है। ये नामांकन भी सिरसा के इतिहास में अपने तरीके का, अलग तरीके का नामांकन होगा। रोड़ी साहब तो खुद ही अपना रोड़ा है, उन्होंने एक गांव गोद लिया था गुड़िया खेड़ा, वो एक गांव का ही विकास नहीं कर पाए हमारे भाई, उनकी सारी ग्रांट छीन छीन करके चौटाला परिवार ने बांटी। तो लोग इस बात को समझते हैं कि कौन डम्मी है और कैसे लोगों को जिताना चाहिए। एक बार लोगों ने जिता करके मौका दिया, पूरी तरीके से नेतृत्व फेल साबित हुआ, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि उनके गांव से भी, कल मैं कालावली गया हुआ था, लोगों ने कहा कि इस गांव से ही हम 2000 की लीड दिलवाएंगे। पिछली बार भी हमने उनके गांव में उनको खुद हराया था और इस बार जो है पूरे इलाके में एक तरफा जो माहौल है वो बेहतर परिणाम देगा।